तो मैं बना रहा हूं पालक और मटर की कचौरी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डो बनाना है। मैं आपको खाली बता देता हूं, डो तो मैंने बना लिए लेकिन फिर भी आपको मात्राएं समझा देता हूं। तो यहां पे मैंने लिया है 1.5 कप, ये लीजिए, मैदा और खुशी के फवारे वाले इंग्रेडिएंट, ये लीजिए, ये घी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये है थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है, ये अजवाइन डाल लें, और पालक का पेस्ट, ठीक है जी, ये 3 बड़े चम्मच पालक का पेस्ट डाल लिया आपने। तो इसके साथ साथ एक इंग्रेडिएंट बहुत जरूरी, अजी एनर्जी के बगैर काम नहीं चलता, तो थोड़ी सी एनर्जी ये जो डो बन रही है ना उसमें डाल लेते हैं। तो एनर्जी के लिए शुरू हो जाए, ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक, ये लीजिए। अब ये सारी चीजें मिला के एक बढ़िया सा डो बना लें। ये तो मैं साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये डो मैंने बना रखा, ये देखिए कितना बढ़िया डो है, ये देखिए, आहा, अब डो तो तैयार है लेकिन अब फिलिंग बनानी है। फिलिंग के लिए ये लीजिए पैन ले लेते हैं, और ये तेल वाली कढ़ाई यहाँ, और ये पैन यहाँ। अब फटाफट इसमें डाल लेंगे थोड़ा तेल, ये और तेल जब तक गर्म होता है मैं अदरक और मिर्चें काट लेता हूँ। ये अदरक ले लिया, ये अदरक और इसके साथ साथ मिर्चें, 2 हरी हरी मिर्चें बिल्कुल स्पाइसी, ये। अब तेल गरम, तेल में अब इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। हींग सबसे पहले, चुटकी भर हींग गर्मा गर्म तेल में, और हींग जैसे भून जाए तो ये बारीक कटा हुआ अदरक ये डाल लेना है, और साथ ही साथ हरी मिर्चें, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं। अब इसके साथ साथ बड़ी सौंफ जो है एक छोटा चम्मच ले लें, और ये लीजिए ये भी डाल ली। अब फटाफट इसमें हरे मटर, ये लीजिए 1 कप हरे मटर ले लिए, और ये डाल लिए, और इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज, एनर्जी, उसके बगैर कोई काम नहीं होता लाइफ में। तो एनर्जी के लिए चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं, नमक शमक नमक शमक, बस जी बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि डो में भी डाला है इसमें भी एनर्जी, और ये लीजिए, आह क्या बात है। अब फाइनली इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना डाल लेता हूं, ये सब मेरे एडिशन से, ठीक है जी, आप टेंशन ना लें, ये मेरे एडिशंस भी ऐड करते रहें, मेरे एडिशंस कभी फेल नहीं होते। मिंट और हरे मटर, इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है, और टेस्ट हमेशा मिंट डालेंगे हरे मटरों में तो बढ़ जाएगा। ये लीजिए, ये पुदीना डाल लिया, और अब गैस बंद कर लिया फाइनली। हाँ हाँ, ये देखिए, अब ओ जी फटाफट एक काम कर लेंगे, ये जो मिक्सचर है ये लेके, ये जो हरे मटर है इनको दरदरा पीस लेना है। अब ये हरे मटर थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं, दरदरा पीस लेते हैं, बस। अब ये मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार, हमें कोर्सली चाहिए ग्राइंड, तो ये मैं ये वाले बोल में निकाल लेता हूं, ये लीजिए, आहा क्या बात है। अब आप देखेंगे कि मैं कोर्सली ग्राइंड का मतलब क्या है आपको बताता हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अब ग्रीन पीस तैयार, डो भी तैयार, अब बारी है कचौरी बनाने की। तो सबसे पहले ये जो डो है ये ले लेता हूं मैं, और ये लीजिए, ये डो को, तो यहां पे ये लीजिए, ये
दो काट लिए। ये पहले मैं पांच कचौरियाँ बना लेता हूँ और इनके इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। ये पेड़े बना लिए। अब फिलिंग करने के लिए ये पेड़ों को ना थोड़ा सा इस तरह से फैलाना है। ये लीजिए, और ये क्या बन गया, ये बढ़िया। ये लीजिए, इसमें डाल लेंगे ग्रीन पीस। ये लीजिए, सब तरफ से ये अंदर की तरफ ले लें और ये दो को इस तरह से घुमा के निकाल लें और फिर ये लीजिए। हाँ हाँ, ये बिल्कुल तैयार। ये देखिए क्या बात है। अब इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ और बाकी जो पेड़े हैं उनका भी कचौरी बना लेते हैं, उनकी भी हैं। ये लीजिए फटाफट। अच्छा, कचौड़ी बनाते वक्त मैंने हमेशा देखा है हलवाई जो होते हैं ना, गैस ऑन करके धीमे आंच पे रख देते हैं और ये जो कचौड़ियाँ बनाते रहते हैं वो इस तरह से छोड़ते रहते हैं हल्का सा प्रेस करके। ये देखिए, और धीमी आंच पे ये कचौड़ी को पकने देते हैं। धीमी आंच पे पहले पकाना है जब तक कचौड़ियाँ जो है ऊपर ना आ जाएं। अब ये देखिए सारी कचौड़ियाँ जो है ऊपर तैरने लग गई है और धीरे धीरे फ्राई हो रही हैं। अब आंच को बढ़ा दूंगा मैं और ये जो कचौरियाँ हैं ना इनको पहले निकाल लेंगे। ये लीजिए, इनको निकाल लेते हैं। अब पहले तेल को करेंगे गरम, फिर कचौरी को दोबारा फ्राई करेंगे ताकि बढ़िया क्रिस्प कड़क हो जाए ऊपर से। अब तेल दोबारा बढ़िया गरम और ये जो मैंने कुछ कचौरियाँ बनाई थी इनको दोबारा फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल धीरे से ये डाल ली। आहा, क्या बात। ये लीजिए, ये कचौरी बिल्कुल तैयार। क्या बात है। अब मैं इन्हें निकाल लेता हूँ। ये पहले ग्रीन दिख रही थी, अब हल्की से ब्राउन हो गई है क्योंकि क्रिस्प हो गई है। ये मैं अपने टिश्यू पेपर पे निकाल लेता हूँ। क्या बात। आहा, अब ये लीजिए गर्मा गर्म परोसिए। ओहो,